उनके लिए आप बना रहे हैं। हम 25 करोड़ के नुमाइंदे हैं, हर हर सेक्शन में, हर हर क्लॉज पे, हर जगह हमारी ऑब्जेक्शन है। सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन ये है जनाबे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि आपके इस बजट से ना तो महंगाई कम होगी, ना आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आने का इम्कान है, ख़ासकर दवाइयों में, एजुकेशन में। और आप कोई मुझे जनाब स्पीकर साहब बता दे, आप खुद हल्का जीत के आते हैं, आप लाहौर को रिप्रेजेंट करते हैं जो पाकिस्तान का एक सियासी काबा है, वहाँ सियासी लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ से पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर बनता है, टेम्पो बनता है। आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर साहब, यहाँ ऐवान में उस तरफ तो बहुत कम है लेकिन इस तरफ फॉर्म 45 वाले हैं, मुझे कोई बता दे, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी बता दें, 25,000 तनख्वाह लेने वाला या 30,000 तनख्वाह लेने वाला या चलो 50,000 तनख्वाह लेने वाला, आपके इस बजट की रोशनी में मुझे एक महीने का अपने घर का खर्चा आप बना के बता दें, जिसमें उसने बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं, बच्चों की फीसें देनी हैं, दवाइयों का खर्चा देना है, इंसान है कोई खाना पीना भी उसने करना है, कोई गमी खुशी भी आ सकती है। इसलिए हम इस बजट को रिजेक्ट करते हैं। ये फॉर्म 47 का बजट है, IMF का बजट है। अगर पाकिस्तान को चलाना है, महंगाई को खत्म करना है, सूदी निजाम से निकलना होगा, और फॉर्म 45 वालों को बिठाओ, उनको मौका दो ताकि वो 25 करोड़ की आवाम की मर्जी और मंशा का बजट बना सकें। क्यों कि कल को फिर अवाम के पास जाना है और अवाम से वोट लेके आना है। जिन्होंने अवाम से वोट लेके आना ही नहीं है उनको अवाम की क्या परवाह। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब। ये फाइनेंस बिल जी से मेरी स्पीकर साहब दो अमेंडमेंट्स हैं उस पर, बस एक मिनट में ही बात करता हूँ। मुबीन भाई ने वैसे उस पर तफसीली बात कर ली है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। एक तो पेट्रोलियम लेवी के हवाले से थी, उस पर मेहरबानी फरमाएँ फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उसको अगर आप रिव्यू कर लें, 60 से 80 तक लेके जा रहे हैं, मजीद बढ़ेंगे। और उसका जाहिर है जब पेट्रोल प्राइस जनाब स्पीकर साहब बढ़ते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट किस पे पड़ता है, आपकी यूटिलिटीज़ बढ़ती हैं, बिजली गैस के बिल बढ़ जाएंगे, किराया बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ दूध का, मेडिसिन का, स्कूलिंग का, सारे खर्चे सर उससे बढ़ जाएंगे, तो ऑलरेडी काफ़ी ओवर बर्डन है। तो रिक्वेस्ट है कि अगर वो आप ना बढ़ाएँ तो बेहतर है पेट्रोलियम लेवी में। और इस पर जो मुबीन ने बात की है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, ये जो अमेंडमेंट है क्लॉज 3 में मेरी और मुबीन की इस हवाले से है कि जो ट्यूब्स होती हैं जिसमें आप ब्लड सैंपलिंग लाते ले जाते हैं, तो इस वक्त हमारे पास कोई मेडिकल ऐसा कवर नहीं है जनाब स्पीकर साहब जिसमें हम गरीब आदमी को कुछ ज़्यादा मेडिकेशन में फैसिलिटेट कर सकें। तो अगर आप ये टैक्स इस पर बढ़ाएंगे तो वो चार्जेस हमारे लिए शायद इतना ना मैटर करते हो जो कोई लोग अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब आदमी जो दिन का 700, 800 या 1000 का दाड़ीदार है उसके लिए इशू है। और इसके हवाले से बहुत अहम मैं ये बात रखूँगा जनाब वज़ीर आज़म साहब के सामने कि इसके हवाले से ये कहूँगा कि हमें हेल्थ कवर लोगों को देना चाहिए। हमारे दौर में, और आपने भी जब वज़ीर आला थे लाजमन दिया होगा कवर, हमारे दौर में इंसाफ कार्ड, हमने हेल्थ कार्ड दिया था जिससे लोगों को एक सहूलत थी। पहले 5 लाख, फिर 7, फिर 10 लाख तक उनको फ्री ऑपरेशन सारा मिलता था, वो भी मरकजी हुकूमत से। पहले इंटरिम गवर्नमेंट ने वापस लिया, आपको उसको वापस चालू करना चाहिए। स्टार्ट कीजिए हेल्थ कार्ड, चाहे उसको कोई भी आप नाम दें, बेशक इमरान खान का जो हमारा हेल्थ कार्ड था, इंसाफ कार्ड वो ना दें, कोई और नाम दे दें। असल मकसद जो शेक्सपियर ने कहा था, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारें गुलाब गुलाब रहता है, लोगों को हेल्थ सपोर्ट दें। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद का इनकम सपोर्ट था, उसको आप कोई भी नाम दें लेकिन वो चीज़ जाती रहनी चाहिए। इसलिए यही मेरा नुक्ता है कि ये जो आप ट्यूब्स पे टैक्स लगा रहे हैं वो प्लीज़ ना करें, गरीब आदमी को उसकी तकलीफ है। और हेल्थ कार्ड हमने अपने सूबे में अली अमीन खान ने स्टार्ट कर ली है, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में जो इमरान खान ने स्टार्ट की थी वो आप ज़रूर कीजिए, उसको दोबारा रिवाइव कीजिए। कराची में बिलावल साहब बैठे हैं, वो सिंध में वो लोग कर लें ताकि लोगों को कम अज़ कम हस्पताल में फ्री हेल्थ सर्टिफिकेशन और हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके। नाउ आई पुट द अमेंडमेंट एज मूव्ड बाय जुनैद अकबर साहब टू द हाउस, द क्वेश्चन इज दैट अमेंडमेंट एज मूव्ड बी अडॉप्टेड, ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट में से आए। पता है उनके लिए आप बना रहे हैं, हम 25 करोड़ के नुमाइंदे हैं, हर हर सेक्शन में, हर हर क्लॉज पे, हर जगह हमारी ऑब्जेक्शन है। सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन ये है जनाबे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि आपके इस बजट से ना तो महंगाई कम होगी, ना आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आने का इम्कान है, ख़ासकर दवाइयों में, एजुकेशन में।
और आप कोई मुझे जनाब स्पीकर साहब बता दे, आप खुद हल्का जीत के आते हैं, आप लाहौर को रिप्रेजेंट करते हैं जो पाकिस्तान का एक सियासी काबा है, वहाँ सियासी लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ से पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर बनता है, टेम्पो बनता है, आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर साहब, यहाँ ऐवान में उस तरफ तो बहुत कम है लेकिन इस तरफ फॉर्म 45 वाले हैं, मुझे कोई बता दे, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी बता दें, 25,000 तनख्वाह लेने वाला या 30,000 तनख्वाह लेने वाला या चलो 50,000 तनख्वाह लेने वाला, आपके इस बजट की रोशनी में मुझे एक महीने का अपने घर का खर्चा आप बना के बता दें, जिसमें उसने बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं, बच्चों की फीसें देनी हैं, दवाइयों का खर्चा देना है, इंसान है कि खाना पीना भी उसने करना है, कोई गमी खुशी भी आ सकती है, इसलिए हम इस बजट को रिजेक्ट करते हैं। ये फॉर्म 47 का बजट है, IMF का बजट है, अगर पाकिस्तान को चलाना है, महंगाई को खत्म करना है, सूदी निजाम से निकलना होगा और फॉर्म 45 वालों को बिठाओ, उनको मौका दो ताकि वो 25 करोड़ की आवाम की मर्जी और मंशे का बजट बना सकें, क्योंकि कल को फिर आवाम के पास जाना है और आवाम से वोट लेके आना है, जिन्होंने आवाम से वोट लेके आना ही नहीं है उनको आवाम की क्या परवाह। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब, ये फाइनेंस बिल जी से मेरी स्पीकर साहब दो अमेंडमेंट्स हैं उस पर, बस एक मिनट में ही बात करता हूँ। मुबीन भाई ने वैसे उस पर तफसीली बात कर ली है, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। एक तो पेट्रोलियम लेवी के हवाले से थी, उस पर मेहरबानी फरमाएं फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उसको अगर आप रिव्यू कर लें, 60 से 80 तक लेके जा रहे हैं, मज़ीद बढ़ेंगे और उसका ज़ाहिर है जो पेट्रोल प्राइस जनाब स्पीकर साहब बढ़ते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट किस पे पड़ता है, आपकी यूटिलिटीज़ बढ़ती हैं, बिजली गैस के बिल बढ़ जाएंगे, किराया बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ दूध का, मेडिसिन का, स्कूलिंग का सारे खर्चे सर उससे बढ़ जाएंगे, तो ऑलरेडी काफ़ी ओवर बर्डन है, तो रिक्वेस्ट है कि वो आप ना बढ़ाएं तो बेहतर है पेट्रोलियम लेवी में। और इस पे जो मुबीन ने बात की है उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, ये जो अमेंडमेंट है क्लॉज 3 में मेरी और मुबीन की इस हवाले से है कि जो ट्यूब्स होती हैं जिसमें आप ब्लड सैम्पलिंग लाते ले जाते हैं, तो इस वक्त हमारे पास कोई मेडिकल ऐसा कवर नहीं है जनाब स्पीकर साहब जिसमें हम गरीब आदमी को कोई ज़्यादा मेडिकेशन में फैसिलिटेट कर सकें, तो अगर आप ये टैक्स इस पे बढ़ाएंगे तो वो चार्जेस हमारे लिए शायद इतना ना मैटर करते हो जो कोई लोग अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब आदमी जो दिन का 700, 800 या 1000 का दाड़ीदार है उसके लिए इशू है। और इसके हवाले से बहुत अहम मैं ये बात रखूँगा जनाब वज़ीर आज़म साहब के सामने कि इसके हवाले से ये कहूँगा कि हमें हेल्थ कवर लोगों को देना चाहिए, हमारे दौर में और आपने भी जब वज़ीर आला थे लाजमन दिया होगा कवर, हमारे दौर में इंसाफ कार्ड हमने हेल्थ कार्ड दिया था जिससे लोगों को एक सहूलत थी, पहले 5 लाख फिर 7 फिर 10 लाख तक उनको फ्री ऑपरेशन सारा मिलता था, वो भी मरकजी हुकूमत से, पहले इंटरिम गवर्नमेंट ने वापस लिया, आपको उसको वापस चालू करना चाहिए, स्टार्ट कीजिए हेल्थ कार्ड, चाहे उसको कोई भी आप नाम दें, बेशक इमरान खान का जो हमारा हेल्थ कार्ड था इंसाफ कार्ड वो ना दें, कोई और नाम दे दें, असल मकसद जो शेक्सपियर ने कहा था गुलाब को किसी भी नाम से पुकारें गुलाब गुलाब रहता है, लोगों को हेल्थ सपोर्ट दें, जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद का इनकम सपोर्ट था उसको आप कोई भी नाम दें लेकिन वो चीज़ जाती रहनी चाहिए। इसलिए यही मेरा नुकता है कि ये जो आप ट्यूब्स पे टैक्स लगा रहे हैं वो प्लीज़ ना करें, गरीब आदमी को उसकी तकलीफ है, और हेल्थ कार्ड हमने अपने सूबे में अली अमीन खान ने स्टार्ट कर ली है लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में जो इमरान खान ने स्टार्ट की थी वो आप ज़रूर कीजिए, उसको दोबारा रिवाइव कीजिए, कराची में बिलावल साहब बैठे हैं वो सिंध में वो लोग कर लें ताकि लोगों को कम अज़ कम हस्पताल में फ्री हेल्थ सर्टिफिकेशन और हेल्थ इंश्योरेंस मिल सके। जुनेद अकबर साहब टू द हाउस, द क्वेश्चन इज दैट अमेंडमेंट एज मूव्ड बी अडॉप्टेड, ऑल दोज़ इन फेवर ऑफ इट में से आई।